उत्तराखंड के रुड़की में रामनगर में एडीबी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने की शिकायत पर जांच को पहुंची ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने निर्माण कंपनी को फटकार लगाई। आपको बता दें कि रुड़की के रामनगर में एडीबी द्वारा सिविल लाइन के चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जहां पीली ईंटों का प्रयोग करने के साथ ही मानकों के वितरित कार्य किए जा रहे हैं। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिका खंडेलवाल को की गई, तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंच निर्माण सामग्री की जांच की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नगर निगम के जेई को मौके पर बुलाकर निर्माण कार्य में लगाई जा रही सामग्री की जांच के आदेश दिए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा दूरभाष के माध्यम से एडीबी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। डाउन है, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही है, प्लस्तर नहीं हो रहा है, क्या बहुत तेजी में काम चल रहा है, और इसलिए आज मैडम से बुलाया है, मैडम को रूबरू करवाया है, मैडम को बताया है, और वो टेस्टिंग के लिए भी ले गए हैं दो ईट, देखें सही ईट अव्वल है कौन सी है, 2000 रुपये ईट लगा रहे हैं या 1500 लगा रहे हैं। घटिया सामान लगाया जा रहा है और काम का निर्माण सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है। डीबी काम कर रहा है, ये पूरी रुड़की अव्यवस्थित हो गई है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, जहां से मर्जी होती है वहां से तोड़ देते हैं। लोगों को यही नहीं मालूम है कि कब बंद होगा कब फिनिश होगा, एक काम फिनिश नहीं होता दूसरा काम चालू हो जाता है। होना ये चाहिए कि इन्हें एक काम शुरू करने से पहले बोर्ड लगाना चाहिए कि ये रास्ता इतने दिन बंद रहेगा। पूरा शहर इन्होंने तोड़ के डाल दिया, नर्क हो गया पूरा शहर रुड़की का। और जहाँ तक सामान की क्वालिटी का सवाल है तो उसका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि वो ज़मीन में दब जा रहा है, उसका कोई मालिक नहीं है। क्या ये लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं, किसी की कोई जांच का कोई सिस्टम इनके पास नहीं है। यहाँ पे आके जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे आके देखा जाए, देख तो सबसे बड़ी खामी ये है कि यहाँ पे जो एडीबी के जेई होने चाहिए थे, जो सुपरवाइज करने चाहिए थे, वो अनुपस्थित हैं, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसके लिए प्रथम दृष्टिया जो लगता है वो खराब क्वालिटी लगता है, लेकिन सिंस एक साइंटिफिक रिपोर्ट होना जरूरी है, तो हमने उसका सैंपल कलेक्ट करके उसको हम टेस्टिंग लैब में भेज रहे हैं अपने स्तर से, ताकि उसकी रिपोर्ट हम अपने स्तर से ही लें और फिर उसके उस पर कार्रवाई करें।